हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद का सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी मई चौबीस की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा, अभी हम लोगों ने सीए इंटर कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने बेटा 100% कंसेप्ट किए, मतलब सारे कंसेप्ट आपके कवर किए वहाँ पे, प्लस 130 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, मतलब जिसमें आपके ओवरऑल सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं, वाले क्वेश्चन हमने उठाए हैं और वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा उस रिवीजन के दौरान कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हमें प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बता दीजिए कॉस्टिंग में कौन कौन से हम कर लें। ठीक है, तो बेटा मैं आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आज बता दूंगा, इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूँ बिफोर टेलिंग द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाते हैं नॉट ओनली बाय मी या नॉट ओनली इन कॉस्टिंग, किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब है कि ये चैप्टर्स करके जाने ही जाने हैं। कई बच्चे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब समझ लेते हैं सिर्फ ये चैप्टर कर लेता हूँ बाकी करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ये आपको चैप्टर करके ही जाने हैं, इसमें से कुछ मत छोड़ जाना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब होता है। ठीक है, अब मैं अगर कॉस्टिंग का ही एग्जाम्पल लूँ बेटा, पिछले 20 अटैम्प्ट का जब आप एनालाइज करोगे, मैंने आपके लिए कर रखा ऑलरेडी, तो बेटा उसमें आप देखोगे कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें से क्वेश्चन ना आता हो। हर अटैम्प्ट में, हर क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन है, एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है, और तो सर एमसीक्यू भी आ गए हैं, तो कोई चैप्टर छूटेगा ऐसा तो आप मान के चलो कि नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, हर चैप्टर के अंदर से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने को चैप्टर कोई नहीं छोड़ना। हाँ, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर जान के ये देख लेंगे कि यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ के तो नहीं जा रहे, बहुत स्कोरिंग चैप्टर तो छोड़ के नहीं जा रहे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आज सी इंटर कॉस्टिंग के सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है। बेटा ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको छोड़ के जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं सर? ओवरहेड्स एंड एबीसी। बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आता है इसका, अब 8 नंबर का कम से कम आएगा ही आएगा। 8 नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा पहले जो हमारा 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता था जिसके दो या तीन पार्ट होते थे, अब वो 15 नंबर का हो गया। तो अगर आप एमटीपी भी देखोगे तो 8, 7, 4, 5 ऐसे मार्क्स के आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, तो सर ओवरहेड एबीसी में से आएगा हमारा 8 मार्क्स का कम से कम, कॉशीट में आएगा बेटा 8 मार्क्स का कम से कम, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, मार्जिनल सर्विस कॉस्ट। तो बेटा ये जो 7 चैप्टर मैंने बताए हैं आपको, ये 7 चैप्टर में से आपका बेटा कम से कम 60 मार्क्स का पेपर आएगा। लिख के रख लो आप, 60 मार्क्स से ज़्यादा का ही आएगा, कम का नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा चैप्टर में से, ना, इन चैप्टर में से कम 8 मार्क्स आएगा, और ज़्यादा तो इंस्टीट्यूट कितना भी दे दे। आप देखो बजट का पिछले से पिछले अटैम्प में 15 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, कॉशीट का देखो बेटा पिछले अटैम्प में आपका 10 मार्क्स से ज़्यादा का पूछा था। तो इसीलिए मैंने ये सारे चैप्टर आपके हाईलाइटेड रखे हैं, इंपॉर्टेंट रखे कि बेटा इनमें से कुछ छोड़ के मत जाना, ये पूरा आपके पेपर में 60 से ज़्यादा मार्क्स दिलवा देंगे। अब बात करते हैं बेटा थोड़े लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। बेटा ये चैप्टर्स कौन से हैं जिनमें से क्वेश्चन तो आएगा लेकिन जरूरी नहीं है 8 मार्क्स का है, हो सकता है 4 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाए, तो इनमें से ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं चांसेस बता रहा हूँ, अगेन बेटा इनमें से भी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ट्रेंड ऐसा देखा गया कि 60 प्लस का इसमें से आता है, फिर 30-40 मार्क्स का इसके अंदर से आएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, लेस इंपॉर्टेंट तो भाई बोलना ही नहीं है। ठीक है जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, मतलब सर ये छोड़ के नहीं जाने हैं, करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसके अलावा आपसे 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा सर थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी? बेटा देखिए, अगर आप एमटीपी में जाएं और पुराना ट्रेंड में देखें तो पहले सर 20 मार्क्स की थ्योरी आती थी जिसे आप ऑप्शन में छोड़ सकते थे। सिमिलर पैटर्न में सर जब एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो गए तो 15 मार्क्स की थ्योरी आती है जिसे आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी तक इंस्टीट्यूट का कोई पेपर नहीं आया, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं सर जैसे एमटीपी में आया वैसा ही आएगा। तो अगर बेटा आपको थ्योरी करनी है तो मैं आपको एक क्लास दूंगा, 4-5 घंटे की क्लास होगी, आप उसके बेसिस पे पूरी थ्योरी कर सकते हैं। सर क्या थ्योरी से एमसीक्यू आएंगे? बेटा आने के चांसेस बिल्कुल निल हैं या बहुत कम आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि सब एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस पे आने वाले हैं न्यूमेरिकल, सॉरी एमसीक्यू। तो आप मान के चलो कि कम से कम आपके 28 मार्क्स के एमसीक्यू, आउट ऑफ 30 26-28 मार्क्स के एमसीक्यू आपके पूरे न्यूमेरिकल बेस ही आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी इस वजह से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा था छोड़ के तो कुछ नहीं आना। अगर बेटा 5 घंटे में आप 15 मार्क्स अपने पक्के कर लेते हो तो क्या बुराई है? ठीक है ना, तो सर थ्योरी भी हमें करनी है। तो इसके अलावा सर हमारी एक थ्योरी की ही बात हो गई। ठीक है,
अब बच्चों क्वेश्चन आएगा सर एमसीक्यू कैसे करने हैं। बेटा देखो एमसीक्यू की दो कैटेगरी आएंगी आपकी, एक आएगी केस बेस्ड एमसीक्यू और एक आएगी सर हमारे नॉर्मल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले। होंगे दोनों मल्टीपल चॉइस, ये सर केस बेस्ड होंगे, 10 मार्क्स का आएगा, इसके दो आएंगे, और बेटा जो नॉर्मल एमसीक्यू आपके ये 5 आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है जी। तो सर इसके लिए अलग से हमें क्या तैयारी करनी है? बेटा अगर केस बेस्ड एमसीक्यू की बात करूं तो उसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, जैसे आपके क्वेश्चन आप करते आ रहे हो बस उसी को सर वो 5 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे भी इंस्टीट्यूट ने जो अभी तक क्वेश्चन दिए हैं केस बेस्ड एमसीक्यू के, मैंने ऑलरेडी रिवीजन क्लासेस में कवर कर रखे हैं, उन्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा वो आपके आप देखोगे कि नॉर्मल जो क्वेश्चन करते आ रहे हो वही है, बस उनके मल्टीपल पार्ट्स कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने उसको केस बेस्ड एमसीक्यू बनाने के लिए। अगर 2 मार्क्स के एमसीक्यू की बात करें और बेटा इनकी आपको तैयारी करनी है तो अगेन आपके 6 से 8 नंबर के इसमें कंसेप्ट बेस्ड ही आएंगे, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स डाल दिए एमसीक्यू के, बहुत सारे लेक्चर्स डाले बेटा। अगर आप देखोगे अराउंड 9 to 10 आवर्स में मैंने आपको 300+ एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको कपिल सर के चैनल पर मिल जाएगी। आपको सारे लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, लिंक की टेंशन मत लो, आप पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दो, क्योंकि सर हम क्लास से एग्जाम से पहले 700 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते जो आपने क्लास में कराए। तो बेटा इस चीज के लिए, इस चीज में मैंने हेल्प करने के लिए बहुत सारी रिसर्च करके 130 क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करें हैं। वो 130 क्वेश्चंस बेटा किस बेसिस पे करें सर? स्टडी, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वो क्वेश्चन सर जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली पूछे हैं कई कई जगह, ठीक है। तो बेटा वो क्वेश्चंस को हमने शॉर्टलिस्ट कराया जिसमें आपके मैक्सिमम सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो बेटा वो 130 क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मेरे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। ये बेटा सेम वही लिस्ट है जो हमने रिविजन फास्टैग रिविजन के अंदर हमने कवर करी है। तो बेटा फास्टैग रिविजन के बारे में बच्चों को और बता देता हूँ कि बेटा जो फास्ट टैग रिविजन हमने करा है अंडर 25 आवर्स, सारे चैप्टर रिवाइज करें विद कंसेप्ट और प्लस विद दीज 130 क्वेश्चंस। तो अगर आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, रिकॉल करना है, यानी कि इवन आपको स्टार्टिंग से समझना है, तो आप इन फास्ट टैग रिविजन को इस टाइम पे ले सकते हो, ठीक है, ये भी यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इनको अटेंड कर सकते हो। 25 घंटे के अंदर आपकी कॉस्टिंग ऐसी मस्त हो जाएगी कि एग्जम्पशन आपकी कहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा कॉस्टिंग से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, सारा सपोर्ट मेरी तरफ से अवेलेबल है, बस अब आपको क्या करना है सर इसको पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स लाने और फिर मुझे बताना सर देखिए मैंने आपका फास्ट ट्रैक रिजल्ट लेके इतने अच्छे मार्क्स लाए, सर मैं आपके फास्ट ट्रैक बैच लेके इतने अच्छे मार्क्स लेके आया, ठीक है जी। इसके अलावा सर कई बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से लेके, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से लेके, तो बेटा आप मुझसे डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर 9289599908, ठीक है। आप यकीन मानोगे मैं over 1000 बच्चों को, ठीक है, over 1000 स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर चुका हूँ पर्सनली, उनकी क्वेरी आंसर कर चुका हूँ। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हो सर क्वेरी का आंसर मैं देता हूँ, ऐसा नहीं मैंने टीम बिठा रखी है, ठीक है, मैं क्वेरीज के आंसर खुद ही देता हूँ सारे बच्चों को, इवन मैक्सिमम टाइम आप वॉइस नोट्स पे देखोगे, ठीक है। तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, अगर कॉस्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे से कनेक्ट करो, अगर आपको ओवरऑल कोई गाइडेंस चाहिए कहीं पर आप अटक रहे हो तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ हर एक के साथ शेयर कर सकते हो कि भाई आपको कहीं भी अटक रहे हो, आपने सेल्फ स्टडी करी है, आपने बहुत पहले पढ़ा था, आपने जिससे पढ़ा था भाई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्वेरीज मुझसे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई और चैलेंज आ रहा है, ठीक है, कहीं पर अटक रहे हो तो आप सर कमेंट से मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उससे वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बेटा मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से पूरा 100% सपोर्ट रहे आप लोगों को और आप भी 100% मेरे साथ इन्वॉल्व रहें जिससे हम लोग सर कॉस्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। चलिए इस वीडियो के लिए नहीं, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।